भैया हम भोजपुरी लोकगीत विरहा गायक जयप्रकाश राजभर ग्राम पोस्टरिया बगडौरा जनपद बलिया उत्तर प्रदेश एगो विरहा रहुआ सबके बीच में भेज रहल बानी दीवाना म्यूजिक कंपनी की ओर से। हमरे विरहा का शीर्षक बा राजा भोज की परीक्षा। हमके आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि रउआ सबके प्यार दुलारे छोट भाई छोट बेटवा के जरूर मिली। चार लाइन भूमिका का लाइन बा मास्टर भैया कैसे। आज अपना बेगाना हुआ दोस्तों, भाव भक्ति में जीवन बिताया करे, जिनका इतिहास काला हुआ दोस्तों, उनके जीवन कदरपन सजाया करे, लगा दरबार एक दिन राजा भोज का, दो पंडित महाबाड़ी कहने लगे अपनी अपनी कथा महापंडित बताए, दाम दोनों को राजा लुटाने लगा। ए भैया राजा भोज का कहानी रुआ सब सुनीला। राजा भोज एगो ऐसन राजा रहलन, उनका विषय में हम रुआ सबके बतावे जा रहल बानी। राजा भोज अपने राज के इर्द गिर्द के जितना विद्वान पंडित जी लोग रहल सबके राजा बुलोलन है। राजा का यह सवाल बा कि पर मंथ हम आप लोगन के एक एक हजार रुपया दे ला, लेकिन आवे वाला फ्यूचर आवे वाला भविष्य के बारे में हमके कोनो जानकारी नहीं मिलेला। विद्वान पंडित जी खड़ा भइलन, कहला मालिक की बात आपका सत्य बा कि आज हमने को कोनो शुभ संदेश कोनो शुभ समाचार ना बतौलने जा, लेकिन एकर भी समय होखेला मालिक। कहल गइल बा कि समय से पहले अभाग्य सधिका, नाही के कुछ मिलल बा आ ना मिली हो भैया बाबा। गीत विरहा में मेरे महबूब लड़का कौन लड़की से कहले रहल का कहले रहल, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, खाली प्यारे तो मंगले रहली, लेकिन प्यार मांगा था चली में क्या अंजाम दिया, बात कभी जी लिखले हो कहल गई बाकी धन दौलत रुपया पैसा महलतारी सब कुछ भरल बहो बाबू, लेकिन जे इंसान के जिंदगी में इंसानियत लिखे सुकून लिखे सब कुछ बेकार बा। कैसे भैया ब्रह्म व्यवहार ही इंसान को महान किया, क्या बात है
तो दुनिया तभी तो दुनिया ने उस शख्स का सम्मान किया। शुरुआत हो गया अमर भैया कैसे राजा भोज के बने में विचार आया है पंडित कबाड़ी से हृदय अधिकार छाया है। सुख को पाएगा जो ना जागेगा सुख चैन को लुटाएगा। सुनकर राजा के अंदर भारी कलेश हुआ सभी पहरेदारों को राजा ने तब आदेश दिया को लगाएंगे। ए भैया ओ मीटिंगवा में से विद्वान पंडित जी खड़ा भइल कहला मालिक उ दिन दूर नहीं खे उस समय आ गइल बा आज की रात जे जगी ओके तो कुछ मिली हो मालिक जे ना जागी ओके कुछो ना मिली। राजा सुन लो बाबू देर न कइलन है राजा अपनी प्रजा के जितना अधिकारी सैनिक रहलन सबको आदेश दे दिए राजा कि जाइए आप लोगों की छुट्टी कर दी जाती है और हाँ मात्र एक पहरेदार को लेकर के स्वतः मैं अपने राज की रखवारी करूंगा। राजा ऐसा नहीं कर लो हो बाबू मात्र एक सिपाही के लेके अपना राज को रखवारी करे लगलन। धीरे 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 अर्ध रात्रि के बेला भल बहो भैया बाबू जब घड़ी 12 बजे उलस एगो बड़ा भयानक रोले का आवाज आलबा। सिपाही आवाज दिया सर कोई दुखियारी है जो आपके राज के इर्द गिर्द मेरे रो रही है। राजा आदेश दिए जाओ जाकर देखो वो कौन सी दुखियारी है जो मेरे राज में रो रही है। सिपाही गई बजा के देख ले बा कोनो बुढ़िया बा जवन फूट फूट के बिलख बिलख के रोत बा। आज जितने माई बुढ़िया रोए हो भैया बाबू उतने जितना पेड़ पौधा रहल ना सबकर पतैया हर 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 झरत बा। आके बतौले बा मालिक कोनो बुढ़िया बा जवन फूट फूट कर रोत बा मालिक बिलख बिलख के रोत बा। राजा सुन लो बाबू चलन है तो बिरहा में एक गीत हमर भैया हाथी दुलहन के एकदम गंवार मर्द मिल गई रहल वो कहले रहल का कहले रहल अरविंद भैया कि न जाने राम ये कहले रहल कि न जाने राम न जाने राम अरे सैया दरदियों न जाने राम कैसे राजा चल रहा भाव दे कभी कि पूछे ले राम पूछे ले राम चाई कर राजा करनम पहुंचला राजा एगो बात कहल का गाये बदरो वेलू गाये बदरो वेलू बुढ़िया मतरिया बुढ़िया मतरिया
कहेली राम कहेली राम चाही राजस बयनवा बतौले रही एक लाइन गीत हमर भैया अरे कवन ही देशवास चलल नटीलिया सुन सखिया हे चलल नटीलिया सुन सखिया हे बहिया गोदली गोदानवा सुनु सखिया बहिया माई बुढ़िया राजा भोज के समझावे लगली रे बेटा तू इहे न जानल चाहत रह कि हम के हई तो सुन ले रे बेटा सुन ले हम काहे खातिर रोवतानी माई बुढ़िया बतावा तेरी रोव तरीका अरे राजा भोज जई सजाना केहू पर जानवा सुन बचवा हे अरे बा लत्रा लत्रा अब बुढ़िया कहली बचानवा सुन बचवा पचत न बादल रजक दीवानिया समय बनल बाटे समय बनल बाटे भरत सुबानवा सुन बचवा हे बुढ़िया कहली बचानवा सुन बचवा माई कहली हे बेटा हम तो यही खातिर बतानी ना कि ए राज के इर्द गिर्द में केहू राजा भोज नाम का राजा बा जेकर आज के पांचवा दिन के बाद वो पीपल के गाछी से एक ठे भी सैला सर्प निकली रे बेटा आ राजा भोज के प्रणवा हर ली राजा भोज के डस ली हम तो यही खातिर होते नहीं रे बेटा कि राजा भोज ऐसा राजा फिर राज में केहू पैदा न हुई जवन राजा भोज गरीबन का मान सम्मान दुलार प्यार दे देवेलन वो फिर के हो राजा पैदा न हुई रे बेटा वो फिर के हो राजा पैदा न हुई राजा भोज सुनला कलना मतारी राजा भोज के उदुसर ना तुहार बेटवा तोरे सामने खड़ा हमाई एक ठेक काम कर तू न हो माई अगर तू साक्षात लक्ष्मी हो ई त समय हो इस समय ए धरती का राजा हो रंग को हो अमीर हो गरीब हो क्यों कर ना छोड़ हो माई राजा भोज माई बुढ़िया के समझावत रहने को बात वाले वहां बिराह में गीत बावा कोनो भौजाई बाबा धाम जाए खाती चुनाई रहल सात जी कहली ए है कुलावर कावर जावर कैसे लेके जाइबू उ पूछले राली मिंटू भैया कैसे कवरिया लेके दू दू गो कवरिया लेके
चलब हम डगरिया ये अम्मा देवार ये अम्मा देवार ये अम्मा देवरू के कपार पर उठाई भी मोटरी राजा भोज माई बुढ़िया के समझौले हो का कहले रहलन केउ बलवान नाही केउ बलवान नाही सब बलवान नवाए माई लालान माई हो लालान माई हो लल्ला के ललसाई पुराई सोच जनी माँ तू बाटे तिजोरी खाली पांच दिन जियत हुए बगिया के बाली समझावत रही बेटा ए राजा भोज के पांच दिन के बाद पीपल का गांसी से सर्प निकली डस ले राजा कल नहीं माई तो समय है समय जब भगवान श्री कृष्ण के ना छोड़लस समय सनाई भैलिया भगवान श्री कृष्ण के तलवा में बाण मरलस भगवान श्री कृष्ण के भी ए धरती के दुनिया के छोड़ के जाए के परल हो मतारी तो हम अगर तू साक्षात लक्ष्मी हो तो चल के हमारा तिजोरी में पांच दिन वास कर ताकि पांच दिन तक हम अपनी प्रजा के लोगन के बढ़िया से देख रेख कर सकी बढ़िया से सेवा सत्कार कर सकी माई लक्ष्मी उसने कैली हो बाबू राजा भोज की तिजोरी में जा के वास कैली है यह राजा अपनी प्रजा के सैनिकन का अधिकारियन के आदेश देलन कि जो शख्स मुझे काटने के लिए आएगा यह तबीर हम समझे कहा बाबू जी जो शख्स मुझे काटने के लिए आएगा उसे रास्ते में कोई कठिनाई न हो कोनो परेशानी न हो के ये खातिर राजा के आदेश के तहत अधिकारीगण उस पीपल के गाछी से राजा के सेज तक फूल की सेज लगा दिए बाबूजी जगह जगह दूध कलश सेंट लावा हर चीज के व्यवस्था कर दोगे बिरहा में टेरी हमर भियावा कि समय के जब की आइल पहरा अरे समय के जब की आइल हो समय के जब की आइल पहरा फूल बना बिछौना इतर लावा दूध छिटाई फूल बना बिछौना इतर लावा दूध छिटाई समय के जबकि आइल पहरा आदेश के तहत व्यवस्था कर दिया गया बाबूजी धीरे 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 वह काल का पांचवा दिन आने ही वाला है मित्रों चल लिया वो तक्षणाग्र पे बिसाइला सर राजा भोज को डसने के लिए कैसे चल रहा हूं भैया गीत में बिरहा में आवा धनंजय भैया हमने के अधिकारी रिकॉर्डिंग को बैठल बानी कोनो नंद अपने भौजाई से अपना दुख कहत में रहल कैसे कहले रहल अरे कही दाले भौजी भैयास मो कही दाले भौजी भैयास मो कही दे तन गावा दवा हो Oh,
बहुत सुना तनी लेकिन बिरहा का बात देखी। धीरे धीरे वह काल का पांचवा दिन आने ही वाला है मित्रों, चल दिया वह तक्षनाग। राजा भोज को डसने के लिए कैसे चला रहा है मास्टर बाबू? अरे चाला चाला है ताक्षतहिया, डसने राजा नावा हो। काल रूपी विषैला सर्प चला है बाबूजी, भाग दिलन है कभी कैसे? फूला इतर दूध लावा मिलल बाबो जानावा। फूल सेंट दूध लावा हर चीज का आनंद लेते हुए वह तक्षनाग पहुंचा है राजा के नजदीक। गरीब बाबूजी तब वो जमाना में राजा के सेज जल में लागे जोना के जल सेज कहल जा। फन फैला करके वह तक्षनाग दसने की इच्छा में है, जो ही दसना चाहता है बाबूजी। तब तक राजा भोज उठ के बैठ गेलन, हथवा जोड़ लेला मालिक आपके रास्ते में इला में कोनो कठिनाई तो नहीं भइल, कोनो परेशानी तो नहीं भइल, ए खातिर ए लिए ए बदे कि आप मार अतिथि हुआ। मैं जानता हूं कि आप हमारा प्राण हरने के लिए आए हैं, मुझे डसने के लिए आए हैं, लेकिन आप मेरे दरवाजे पर आए हैं तो अतिथि देवो भव, आप हमारे अतिथि के समान हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। क्रोधावेश में वह तक्षनाग फन फैला करके खड़ा है बाबूजी, डसने की इच्छा में है। सोचने लगा रे, जो शख्स अपने दुश्मन के लिए इतना बड़ा सम्मान प्यार दे रहा है तो अपने प्रजा के लोगों को कितना बड़ा सम्मान प्यार देता होगा। तक्षनाग के दिल दिमाग में यह बतिया नाचे लगल, सोचे लगलन, आवाज ये रे राजा, आया तो था तेरा प्राण हरने के लिए, लेकिन यह दिल दिमाग गवाही नहीं दे रहा है राजा कि मैं तुझे डसूं। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, मांग ले जो तुझे शुभ वरदान चाहिए, यह तक्षनाग देने के लिए सहर्ष तैयार है। यह तक बिरहा में समझल जरूरी है बाबूजी। ये जमाना के लोगन से अगर केहू कह दे कुछ मांग लो तो लोग ऐसा ऐसा चीज मांग दे कि देवे वाला के थरथरी कांप जाई। लेकिन राजा भोज कहला, मालिक धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी सब कुछ बा, कोनो चीज का आवश्यकता ना हो। अगर आप वरदान दिहल चाहत हुआ, ज्ञान दिहल चाहत हुआ तो ऐसा वरदान दे दा मालिक, ऐसा ज्ञान दे दा कि हम रोही या चाहे ना रही हमारा नाम का जमाना को लोग कीर्ति गावे। वाह कौन वरदान मंगले रहा अमर भैया बिरहा में पहपट।
84 जोड़ी के दई द जनवा नाग देवता हो। हमारे राजा भोज तब बरद नवा नाग देवता अरे ओ मस्त कही के तक बोले है बचनवा हो आज यही दिन भेद बताइबा कोई से आई तेजी दे बाप पर नवा हो अरे हर दल ये कबरा बली समांगे बोधा नवा नाग देवता अमांगे राजा बोझ तब परदा नवा नाग देवता कहला है मालिक अगर वरदान दिहल चाहत रह ज्ञान दिहल चाहत हुआ तो ऐसन वरदान दे ऐसन ज्ञान दा कि ये धरती के जितना जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा हुआ सबकर बुलिया जान जाई सबकर भाषा पहचान जाई तथस्त कह दिए एमस ऐसा ही होगा लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले राजा जिस दिन यह बात किसी दूसरे से बताओगे वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा राजा आखिरी दिन होगा। इतने कई कतक्षनाग अंतर ध्यान हुई लो राजा भोज अपना राज्य दरबार में वो बहुत विशाल जगह करोला हो बाबू जौना जगिया में बड़ा दूर दूर से लोग खाए पियावत बा एगो हरजणी चूटी ब्राह्मणी चूटी का सहेली रही रास्ते में दोनों का मुलाकात हो गई। अपना भाषा में वो हरजणी चूटी ब्राह्मणी चूटी से कहली कहो पंडिताई सुनता नहीं जे राजा भोज जगह करोले वालन कहली कि हो भाई जगह तो करोले वालन बड़ा कुल लोग खाए पिए जात बा कहली कि हो भाई तो तुह लोग तो बढ़ जात के बढ़ू जा केहू के संगे बैठ ले बुझा केहू के संगे खा पी ले बुझा लेकिन हमने के जाई जाई तो लोग छुआ छूत का भेदभाव बनावे लगे। राजा अपने राज सिंहासन पर बैठल हुआ सोचता कि बाह बाहर जमाना ए मनुष्य में आदमी में तो जात पात के भेदभाव बटले बा लेकिन ये जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा में भी जात पात का कलह बा। तबले राजा देखत रहन का कि वो भात का टुकड़ा गिरल बा उपमा चिंटियन का झुंड लगल बा कुछ चिंटियन ने कुछ चिंटियन ने कुछ चिंटियन ने खींचत रहिस ओही में कुल चिंटिया बतले बतले से ना 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 हम एकर छोल ना खाई ई भारी नहीं है चमाई नहीं है नेटवाई नहीं है डोमी नहीं है। राजा अपने राज सिंहासन पर बैठल हुआ सोचत हन कि बाहर जमाना ये जमाना के सोच सोच के राजा के हंसी आ गल हो बाबू। तबले वही बीच में रानी राजा साहब खातिर खाना लेके आ गई एक हाथ में खाना ले ले ही दूसर का हाथ से राजा के चेहरा पर जब ध्यान गई बा हंसा तरन तो हम बताई मेहरारू जात बड़ी सकी होली बाबा। रानी सोच गई कि वो लगता जे कोनो हमारा श्रृंगार आइटम में कमी है यही खातिर राजा हंसा तरन अपन एक हाथ में खाना ले ले ही दूसर का हाथ से टोटा के देख ली कुल तो ठीक ठाक लगता। धीरे धीरे जब रानी राजा का नजदीक करीब गईली हो राजा का ध्यान जब रानी पे गई बा राजा से हम अपन मुहवा बंद के लेलन ये तो गड़बड़ हो गल हो अमर भैया रानी के शक हो गल कहली की बताई कि रुआ हंसली है तो काहे हंसली है। राजा साहब कहला की छोड़ दे तोहरी जाने लायक बात नहीं खी रानी को और शक बढ़े लगल हिंदुस्तान में हर चीज का सुई बा लेकिन शक को कोनो सुई नहीं खे। रानी जीत कर दिली कि ना आपके बतावे कोई हसली तो काहे हसली। राजा सोचे लगलन कहला कि देखा अपनी हसला का कारण बताई तो हमारे प्राण निकल जाए मने हम मर जाए। रानी कहली कि तू मर जा चाहे उफर जा हमको इसे मतलब नहीं खे आओ अमर भैया बिरहा में अल्लाह का लाइन लिखल गई बा कैसे केकर केकर मरल कोना कोना समय अखरेला कवि जी बड़ा सुंदर एक एक लाइन में संजोले हो कैसे भैया कि माई का मरनिया वही अरे दिनवे बुझाला पंचो जही दिन भूखिया होला गला बहरिया माई का मरनिया वही दिनवे बुझाला पंचो दुश्मन
मरा लका वो ही किंदवे बुझाला पंचो रक्षा बंधन आला जहिया आवे सेवा माई तमाइये होली हो बाबू कहल गई बा कि केहू कितनों का अमृत का धार पियाई है बाबू एगो माई बिना हाँ कैसे करजवा जुड़ाई हो धनंजय भैया एगो माई बिना माई कमरल तहिया करेला जहिया केहरोल बेटा घर में घूम घाम के अवेलन माई बुढ़िया द्वार पर रहेली बेटा के खाना दसो पानी दसो माई कई धर्म हो दूसरा के बात का कहल जा बिरहागा के कहीं सजाई जला तब तो घरवा में जौन दुल्हनिया बिया कुर्ता कमीज काट के टंगला तो पहले ही सीधा के बगली में हाथ रेली देखी कितना लेके आई बा बिरह का बात लिखल कभी कैसे छलिया बहेलिया जैसे हसला चिरैया पंचो रानी राजा के बाद कह दिली कहली कि ना आपके बतावे के हुई राजा साहब कहलो कि हम बताई अपनी हसला के कारण तो हमार प्राण निकल जाये मने हम मर जाये रानी कहली कि तू मर जा चाहे फर जा हम तो इससे मतलब नहीं खे राजा साहब कहलो रानी अगर तुम्हारी ये इच्छा बा कि हम अपनी हसला के कारण बताई भले हमार प्राण निकल जा ठीक ठीक काम कर तू न हो रानी कि चल के नदी के किनार पर हमार चिता सजावा आ वही जा हम अपनी हसला का कारण बताई हमरा शरीर से प्राण निकल जाई वही जा चिता पर हमरे चिता पर आग लगा दी बाह रे रानी बाह एहू तैयार हो गई हो बाबूजी राजा साहब खाती चिता तैयार कर दिली राजा साहब अपनी हसला का कारण जो ही बतावे अलाउमा तबले एगो घटना घटा था वही लगा अमर भैया अरे वही नदी तीर चर बकरा बकरिया गले बकरिया चरा हम क्या दलिया बाबू कहे ले बकरिया चरा हम क्या दलिया गले बकरवा हम नत्य जब पराना राजा भोजन नियर मुर्खा रानी के कहलो पे देवे दल जाना तैया राजा की मनावा यही लो बखिया राजा सब अपनी हसला के कारण जो ही बतावे ला हुआ तबले वही नदिया के तिरवा पे वो बकरा वो बकरी चरत लस बड़ा खूबसूरत डूब वो नदिया में दोहत जात रहल बकरिया अपना भाषा में कहल से जी सुनता नहीं देखी ना हो कितना सुंदर चारा दोहत जाता वो के ले लेती तो बड़ा हमार खाए के इच्छा बा मन करता बकरवा मुड़ी उठा के देखलस यार नदिया में इतनी रफ्तार में धार बहत बा अगर ओके हम ले जाए तो वही में डूब के मर जाए बकरिया कलस किए ना ती डूब के मर जा चाहे सर जा हमके वैसे मतलब नहीं खे हम ही चालल चाहता नहीं कि ले जे हम अपन को दूसर व्यवस्था करें बकरवा क्रोध में आग बबूला हो गई कलस कारे हमके उमक मर्दा बुझा तारे हम उमक मर्दा नाई हम राजा भोज नाई कि बेचारू एगो मेहरारू खातिर अपन जान देवे जातरन बकरवा बकरिया के इतना तेज मरलस के कुछ दूर बेगा गई राजा रानी बगलिए महुआ हो बाबू ये समझे कहिए बुझे कह विरह में रानी के उका समझ में आवे के बा राजा साहब के उतर ज्ञान मिलल बा वरदान मिलल बा राजा साहब सगरो बतिया सुनतरन सब कुछ समझतरन सब कुछ बुझतरन हो बाबू जैसे भगवान बुद्ध के बाल्य अवस्था में एगो लसिया के देख के चेतना शक्ति जागर रहल वैसे ही राजा भोज के चेतना शक्ति जागल बा आ राजा ढेर कुछ ना कहला वो चितवा में से एगो बेटगराहे देख के खिंचल राजा आ रानी के चुतरा पहन के एक बेट दुई बेट आ तीन बेट जब देहला हो
रानी कुछ दूर बिगा के उतु गाय लगली गनगन गनगन कांपे। कहली दुहाई सरकार के हम सगरो बतिया जान गनी बतवला कह सकते ना का? राजा सब चौथका बेट खिंचले हुए कलक बता दी कहली की ना अब हम सगरो बतिया जान गनी आखिरी लाइन बिरा का भैया लोगन के प्रमाण देख बतावे कैसे आओ भैया ना भेज जानल जरूरी रहने दीजिए स्वामी सेवा हो गई लिए पूरी दोनों प्राणी धैले अरे घर के डारी तखा के डंडवा के मार हो रवेली में हाँ गुरु रामलाल गुणकारी गए चंडिका स्वर्ग धाम बेचंजी बने पुजारी अरे राम समय के जबकि आइल पहरा जब अक्षलाल बिरहा डालिए बदरा रे समय के जबकि आइल पहरा